रीवा में महिला अपराध रोकने के लिए पुलिस सहारा लेने जा रही है ऑटो चालकों का। पुलिस मित्र बनाकर उनसे मदद लेगी। साथ ही चेतना अभियान के तहत पुलिस चला रही है जन जागरण अभियान। पुलिस चाहती है शहर में महिला अपराध हो ही ना। पुलिस ऑटो चालक को पुलिस मित्र बनाएगी, उनकी मदद से महिला अपराध में रोकथाम की कोशिश होगी। पुलिस कंट्रोल रूम में ऑटो चालकों के साथ पुलिस कप्तान की बैठक में लिया गया निर्णय। पुलिस की महिला अपराध रोकने के लिए लगातार कवायद जारी। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक के द्वारा ऑटो चालकों के साथ एक बैठक रीवा के पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था, ऑटो चालकों के पास बहुत सारी ऐसी सूचनाएं रहती हैं जिनसे महिला अपराधों पर रोक लगाई जा सकती है। पुलिस का प्रयास है ऑटो चालक पुलिस मित्र बनकर काम करें, किसी भी प्रकार की घटना की सूचना पुलिस को दें। इसको लेकर आयोजित की गई बैठक के संबंध में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि संचालित चेतना अभियान हम इन दिनों चला रहे हैं। चेतना अभियान के तहत पुलिस स्कूलों में जाकर, संस्थानों में जाकर महिला सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता अभियान लगातार चला रही है। उसी कड़ी में ऑटो चालकों के साथ भी हम बैठक कर रहे हैं। हम जैसा कि जानते हैं, रात्रि में बाहर निकलने वाली महिलाओं को घर तक सुरक्षित पहुंचाने की जवाबदारी ऑटो चालकों की होती है। वह यह भूमिका बेहतर तरीके से निभाते हैं और कैसे बेहतर तरीके से निभा सकते हैं, इसको लेकर हम उनसे बात कर रहे हैं। साथ ही समाज के लिए ऑटो चालक काफी महत्वपूर्ण है, हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। अपराधियों पर उनकी नजर रहती है, ऑटो चालक दिन भर सड़कों पर रहता है, वह अच्छी तरीके से जानता है शहर में कहां भीड़ होती है, कहां असामाजिक तत्व होते हैं। ऑटो चालक की नजर इन सब पर होती है। पुलिस अब उनको पुलिस मित्र का खिताब देने जा रही है। ऑटो चालक से हम शहर के भूगोल को समझेंगे, कहां पर हमें अपराधियों पर नकेल कसनी है, उनसे जानकारी हासिल करेंगे, अपराध पर रोकथाम लगाने की कोशिश करेंगे। पुलिस चाहती है शहर में महिला अपराध हो ही ना। इसके लिए वह लगातार अभियान चला रही है, लोगों के बीच में जा रही है, उन्हें समझाइश दे रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को सूचना दें, पुलिस उनका नाम गुप्त रखेगी, उन ऑटो चालकों का नाम गुप्त रखेगी, उन व्यक्तियों का नाम गुप्त रखेगी जो असामाजिक तत्व हैं, महिलाओं या किसी के साथ भी अभद्रता करते हैं। हम उनके खिलाफ सख्ती से निपटेंगे। चेतना अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्कूल, कॉलेज, संस्थाओं में जाके हमारी पूरी टीम लगातार महिला सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। समाज से जो सहयोग अपेक्षित है उसके लिए प्रयास कर रही है। उसी क्रम में आज हमने ऑटो वालों की बैठक भी रखी हुई है। इस ऑटो वालों की बैठक में, क्योंकि कई बार रात को देखते हैं कई यात्री अकेले भी, महिलाएं, बच्चियां आती हैं, उस दौरान उनको घर तक सुरक्षित पहुंचाना ऑटो वालों की जिम्मेदारी रहती है। साथ ही साथ उनके पास भी काफ़ी इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन रहती है कि कहां पर असामाजिक तत्व इकट्ठे हुए हैं या कोई समस्या क्रिएट कर सकते हैं। इस दौरान उनकी सकारात्मक भूमिका कैसे रहे, पुलिस से उनका सतत संपर्क संवाद कैसे रहे और पुलिस मित्र की भूमिका वो कैसे निभा पाएँ, इन सबको लेके आज उनको शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी महिला सुरक्षा के लिए और उनसे संवाद करके उनसे सहयोग लिया जाएगा।